गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोग बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज। परचेज तो हम लोग लास्ट टू लास्ट क्लास स्टार्ट कर दिया था। तो लास्ट डे हम लोग अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर देख लिया। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में पांच कंडीशन मेंशनड है, पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इट इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड करेंगे। वहां पे क्या क्या चेंजेस है, एसेट्स लाइबिलिटी के साथ में हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस को भी खरीदते हैं, जो भी डिफरेंस आता है वो पीएल के थ्रू एडजस्ट होता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व अलग से टेक ओवर नहीं होता, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, राइट। जितने भी एडजस्टमेंट है सब हम लोग पीएल के थ्रू करेंगे। सो एज ऑफ नाउ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का न्यू कंपनी किया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग न्यू कंपनी में दोनों मेथड से कर लिया, हालांकि वो मर्जर मेथड का क्वेश्चन था बट उसको परचेज मेथड से भी करने बोला था। एंड देन वी हैड डन ओल्ड कंपनी ऑल्सो, एंड ओल्ड कंपनी के करने के लिए हमको ये देखने का दरकार नहीं है कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। फॉर डूइंग ओल्ड कंपनी, जो भी नया मेथड हो, नया कंपनी का जो भी मेथड्स होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डज नॉट अप्लाई टू ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी को नॉर्मल हम लोग बुक्स को क्लोज करना है, लिक्विडेट करना है, तो उसमें हम लोगों ने प्रोसेस आपको लास्ट डे बता दिया था, राइट। सबसे पहले हमको ओल्ड कंपनी का बुक्स को क्लोज करने के लिए दो चीज चाहिए, ओल्ड कंपनी का बैलेंस शीट एंड परचेज कंसिडरेशन का वर्किंग नोट। AS 14 डज नॉट अप्लाई टू ओल्ड कंपनी, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस। तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो, उसको ओल्ड कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखा था ट्रांसफर रेस्पेक्टिव आइटम और बैलेंस शीट टू रेस्पेक्टिव अकाउंट, ये चार अकाउंट हम लोग खोलते हैं, चारों में रेस्पेक्टिव बैलेंस चला जाता है। देन पीसीडीआरडी, ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट, देन एसेट्स नॉट टेकन ओवर रियलाइज्ड, लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर पेड, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड, एंड उसके बाद हमारा क्लोजिंग एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर चला जाएगा रियलाइजेशन में, रिलाइजेशन का बैलेंस चला जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर में बचा हुआ कैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो सक्सेसफुली वी हैव डन। अभी हम लोगों ने आपको होमवर्क दिया था इलस्ट्रेशन 5 का ओल्ड कंपनी, तो इलस्ट्रेशन 5 का न्यू कंपनी वी हैव ऑलरेडी डन, राइट। सो लेट अस स्टार्ट, हम लोग अभी करेंगे इलस्ट्रेशन 5 का ओल्ड कंपनी। राइट, वी विल डू राइट नाउ इलस्ट्रेशन 5 का ओल्ड कंपनी। ऑलरेडी समझा हुआ है, हमारा समझने का कोई दरकार नहीं है, राइट। वाई अक्वायर्स द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड, इट इज द बुक्स ऑफ जेड विच नीड्स टू बी क्लोज्ड, राइट। तो काफी सारा चीज हम लोग को मालूम है, पीसी का वर्किंग नोट भी वी नो, राइट। पीसी कितना आया था जस्ट चेक करना, 17,20,000, वेरी गुड। एंड पीसी में ये देखा गया है 4,40,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए था और 11,20,000 और 11,20,000 और 1,60,000 तो बाकी का वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए था, राइट। चलिए, सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ओल्ड कंपनी को करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ओल्ड कंपनी का बैलेंस शीट एंड पीसी का वर्किंग नोट, और कुछ भी नहीं चाहिए। इज इट फाइन एवरीवन? सो ये ओल्ड कंपनी का बैलेंस शीट हम लोगों को दिया हुआ है, यस और नो? हाँ, आइए। तो यहां पे अगर आप जोर से देखेंगे, कैश नहीं खरीदा गया, तो यहां पर अलग से कैश का अकाउंट खुलेगा, कैश नॉट टेकन ओवर है यहां पे। चलिए, सो इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, एक बनेगा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर,
एक बना लेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक बनाएंगे रियलाइजेशन, और कैश यहां पे बनेगा क्योंकि कैश टेक ओवर नहीं हुआ है। और एक नया कंपनी का अकाउंट, न्यू कंपनी का अकाउंट भी बनेगा ना। इज इट फाइन? चलो पूरा स्टेप यहां दिया हुआ है, लेकिन हमने आपको ये स्टेप्स ऑलरेडी लिखा दिए, मैं जस्ट बाद में आपको इसको दिखा दूंगा एक बार, राइट? चलिए, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा, ये जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, ये जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, ये दोनों जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, नया कंपनी को मतलब था एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी, राइट? इसको दिखाते हैं हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस है, बट इट बी ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी ट्रीट होगा मतलब कहां जाएगा ये? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, ये भी जाएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में, नॉर्मल लाइबिलिटी है। जिसका जिसका नोट्स है पहले मैं उसका डिस्कस कर दे रहा हूं। ये सारे एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट, ये सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, मार्केट वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, सब बुक वैल्यू में जाएगा। शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल चला जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चला जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में, रिजर्व एंड सरप्लस जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इट्स अ लाइबिलिटी रियलाइजेशन में जाएगा, डिवेंचर लाइबिलिटी है रियलाइजेशन में जाएगा, सारा एसेट रियलाइजेशन में जाएगा। अब जिसका नोट्स नहीं है, करंट एसेट का नोट्स नहीं बनाया हुआ है, ये रियलाइजेशन में जाएगा। कैश टेक ओवर नहीं हुआ है तो कैश का अलग से अकाउंट बनेगा, हाँ या ना? बरोबर है? जितनी भी लाइबिलिटीज है ये सब रियलाइजेशन में जाएगा, हालांकि उसमें से ये वाला लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं हुआ है तो इसको अलग से पेमेंट करेंगे, जाएगा तो रिलेशन में ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बैलेंस शीट से ही खाली मतलब है अपन को, और कोई चीज से मतलब नहीं है। वी आर ओनली कंसर्न अबाउट बैलेंस शीट, नथिंग एल्स। एकदम क्लियर माथे में डाल लो, हमको सोल एंड सोल वी आर कंसर्न अबाउट बैलेंस शीट, और हमको कोई भी चीज से मतलब नहीं है, राइट? सो लेट अस डू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, सब बुक वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या बताओ? हाँ,
कैपिटल रिजर्व कितना है हा? और डन हाँ, कैश का अलग से खाता खुल रहा है, हाउ मच कैश बैलेंस अलग से आ गया, बाकी सारा आइटम चला जाएगा रिलेशन में, टू लैंड बिल्डिंग, टू प्लांट मशीनरी, फर्नीचर है ना, क्या क्या है पीपी में, क्या क्या है? अच्छा पीपी में दो ही एसेट है क्या? फिर टू गुडविल, टू पेटेंट, टू इन्वेंट्री, बोलो सब बुक वैल्यू बताना। 4 लाख, 6, 2 लाख 40, 50,000, 1 लाख 50,000, 1 लाख 80,000 बाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, बाई डिवेंचर, बाई ट्रेड पेबल कितना? बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। बैलेंस शीट का सारा आइटम को हमने कहीं ना कहीं डाल दिया, वी आर नॉट लेफ्ट विथ अ सिंगल आइटम ऑफ बैलेंस शीट, जस्ट चेक नाउ। कोई भी आइटम ऑफ बैलेंस शीट बाकी नहीं है, हमने सारे के सारे बैलेंस शीट आइटम्स को कहीं ना कहीं डाल दिया है। ठीक है, क्लियर? हाँ, वी हैव पोस्टेड रेस्पेक्टिव आइटम ऑफ बैलेंस शीट टू रेस्पेक्टिव अकाउंट, आर वी लेफ्ट विथ एनीथिंग एल्स? पक्का ना? चलो नेक्स्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, क्या करेंगे बल्दी बोलो। पीसी ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट, हाँ ना, बाई वाई लिमिटेड 17,20,000। नौ पीसी में क्या क्या चला गया? सारा एसेट चला गया, कैश को छोड़ के, इसलिए कैश का अलग से खाता खुला है, तो कैश भी रिलेशन में चला जाता है। एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टेक ओवर नहीं हुआ है, बाकी के लिए 17,20,000 कंसिडरेशन फिक्स हुआ। नया कंपनी में आएगा टू रियलाइजेशन 17,20,000, ठीक है। पीसीडी हो गया, क्योंकि हम लोग रियलाइजेशन भी बना रहे हैं, न्यू कंपनी भी बना रहे हैं, बोल के दोनों अकाउंट में पोस्टिंग आया। बाय इक्विटी शेयर इन डब्ल्यू लिमिटेड 11,20,000, बाय प्रेफरेंस शेयर इन डब्ल्यू लिमिटेड 4 लाख, ये रियलाइज हो गया।
है ना, ड्यू रियलाइज स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, जल्दी जल्दी होगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाँ ना, बड़ा आसान है। ये इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाएगा, 1,60,000 जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को, 40,000 जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो ये जो कैश है इसको कैश अकाउंट में डालने का दरकार नहीं है, क्योंकि आया और हाथों हाथ चला भी गया, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर इन डब्ल्यू लिमिटेड 11,20,000, टू कैश 1,60,000, टू प्रेफरेंस शेयर इन डब्ल्यू लिमिटेड 4,00,000, टू कैश 40,000। सर नया कंपनी को डेबिट किया, फिर नया कंपनी से ले लिया और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। DRD, ड्यू रियलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट, ड्यू रियलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, नाउ टेल मी वन थिंग, अब आप लोग मेरे को बताइए, ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्या ऐसा कोई एसेट है जो नया कंपनी टेक ओवर नहीं किया कैश, लेकिन वो ऑलरेडी रियलाइज है, उसको रियलाइज करने का दरकार नहीं है, इसलिए देखो कैश का अलग से खाता खोला है। क्या ऐसा कोई लाइबिलिटी है जो नया कंपनी नहीं खरीदा आउटस्टैंडिंग, तो उसको मैं पे ऑफ करूंगा, टू कैश 12,000, इसको मैं सेपरेटली पे ऑफ। स्टेप्स फॉलो करना है, ऐसा कोई एसेट है नहीं जिसको रियलाइज करना है, लेकिन ऐसा लाइबिलिटी है जिसको पे ऑफ करना है। क्या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ओल्ड कंपनी दिया है? हाँ, 12,500 का था, दस हजार नया कंपनी दे दिया, तो हमको 2,500 अपना पॉकेट से देना है। इन दोनों की एंट्री यहां पे आएगी, बाई रियलाइजेशन 12,000, अगेन बाई रियलाइजेशन 2,500। राइट, लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर पेड एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड। डन, अब ध्यान से समझना, पैकअप करना है, तो पैकअप में सबसे पहले क्या पैकअप होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर पैकअप होगा,
बैलेंसिंग फिगर वन ही है। सबसे पहले प्रेफरेंशियल ऑर्डर पैकअप हो गया, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर वन है, राइट? दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर वन, क्लियर है? स्टेप्स फॉलो करना है, इसमें कोई अलग से कुछ नहीं करना है, खाली स्टेप्स को फॉलो करना है और अकाउंटिंग करना है, और लॉजिकल लग रहा है। पहले सारा एसेट लाइबिलिटी को अपने रियलाइजेशन में डाल दिया, फिर वहां से सबका सलटारा हो रहा है। प्रेफरेंशियल ऑर्डर का हिसाब अलग से हुआ, उसको पैसा ज्यादा दे रहे हैं, जितना उनका कैपिटल है उससे ज्यादा उसको मिल रहा है, तो लॉस क्रिएट हुआ एक टाइप का, तो उसको रियलाइजेशन में डालो। रियलाइजेशन में टू प्रेफरेंशियल होल्डर 40,000 आ गया, लिक्विडेशन एक्सपेंस ले लिया तो 2,500 लिया ना, 10 तो वो दे दे रहा है ना, मेरे को तो 2,500 लेना है। रियलाइजेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है बताओ? प्रॉफिट ही आएगा हमको लग रहा है। ये तो मैंने इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री किया है, टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ रहा है? हाँ? पक्का C30 नहीं आएगा बेटा, यहाँ 2,500 तो है ही, सॉल्व करो ना। अच्छा मेरे पास तो कैलकुलेटर है, 8,000, 2,32,000, 20, थ्री एटी फाइव 500, 385,500, ये बैलेंसिंग फिगर टू है, जिसको यहां मतलब यहां पे प्रॉफिट हो गया। बाय रिलेशन अकाउंट में डालेंगे 385,500 डालेंगे, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर टू है, राइट? 385,500 प्रॉफिट है, 50,000 पहले का पीएल था, 1,00,000 का कैपिटल रिजर्व है, 8,00,000 का कैपिटल है, तो 13,35,500 13,35,500 राइट, माइनस 11,20,000 माइनस 1,60,000, सो टू कैश, दिस इज बैलेंसिंग फिगर थ्री, 55,500। यहां पे बाई इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 55, मतलब बचा हुआ पैसा अब शेयर होल्डर को मिल जाएगा। तो देखो कैश अकाउंट फिर लास्ट में टैली करेगा। दिस प्रोसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। पहले रेस्पेक्टिव आइटम को सब में डाल दिया, रेस्पेक्टिव आइटम को सब में डालने से क्या मालूम चलता है? व्हाट इज द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, व्हाट इज द क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, व्हाट इज योर नेट एसेट,
राइट, देन यू रिसीव पीसी, उस नेट एसेट के बदली में पीसी, उसको रियलाइज करेंगे नया कंपनी से और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर जो एसेट टेक ओवर नहीं हो उसको बेच दो, क्योंकि सारा एसेट को तुमने रिलेशन में डाला है, जो लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं उसको पे ऑफ करो, एक्सपेंसेस पे ऑफ करो. नाउ द क्लोजिंग एंट्री कम्स इन टू पिक्चर. इक्विटी शेयर होल्डर से क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से क्या आएगा, वॉट इज द एक्सेस और वॉट इज लेस वी हैव पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर. एक्सेस दिया यहां पर इसलिए लॉस आया, रिलेशन में डेबिट हुआ है, यहां क्रेडिट हुआ, रिलेशन डेबिट हो रहा है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट हो रहा है, रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है. फिर रियलाइजेशन से प्रॉफिट लॉस आएगा, जैसे रिवैल्यूएशन से आता है, तो रियलाइजेशन में प्रॉफिट है हमारा, इसको हम लोग शेयर होल्डर में डाल दिया. शेयर होल्डर का टोटल क्लेम आ रहा है 13,35,500, लेकिन उनको अभी तक 12,80,000 मिल चुका है, बाकी का बचा हुआ कैश जो पड़ा हुआ है वो दे दो, अल्टीमेटली कैश टैली कर जाएगा. पुराना कंपनी का आंसर लाने का दरकार नहीं है, यू डोंट हैव टू गेट द आंसर फॉर ओल्ड कंपनी, ओल्ड कंपनी का अपने आप आंसर आ जाता है. समझने के लिए मैं यहां पे आपको लिख के दे सकता हूं, बैलेंसिंग फिगर लॉस ड्यू टू ओवरऑल प्रॉफिट ऑन रिलेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं अपना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. प्रेफरेंशियल ऑर्डर में लॉस आया ड्यू टू एक्सेस पेमेंट, रिलेशन में प्रॉफिट आया, लास्ट क्लास जो क्वेश्चन किया था उसमें लॉस आया था, और इक्विटी शेयर ऑर्डर में और भी इतना उनको देना है. बैलेंसिंग फिगर टू इज ओवरऑल प्रॉफिट ऑन रिलेशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर. ये जो भी प्रॉफिट लॉस है ना, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू वर्सेस पीसी. चीज को समझना, नया कंपनी में भी गुडविल कैपिटल रिजर्व आता है,
वहां पे फेयर वैल्यू वर्सेस पीसी होता है, लेकिन यहां पे बुक वैल्यू वर्सेस पीसी हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू 4 लाख है, कंफ्यूज नहीं होना एकदम भी। हालांकि इसकी मार्केट वैल्यू 5.5 है, यहां पे सबका बुक वैल्यू से परचेज कंसिडरेशन कंपेयर हो रहा है, लेकिन नया कंपनी में जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लगता है, एंट्री नंबर 2 में सबका फेयर वैल्यू लेते हैं, दैट यू कंपेयर विथ परचेज कंसिडरेशन। इसीलिए डिवेंचर को जो खरीद के मैं 2,10,000 का सामान दे रहा हूं ना, नया कंपनी अपना डिवेंचर दे रहा है लेकिन उसका डिवेंचर का वैल्यू ज्यादा है, सो दैट इज अ प्रॉफिट टू आवर डिवेंचर होल्डर, दैट वी आर नॉट शोइंग इन ओल्ड कंपनी। वाई? बिकॉज ओल्ड कंपनी डील्स विथ बुक वैल्यू, ओल्ड कंपनी डील्स विथ बुक वैल्यू। Got my point? I think there is no such doubt in this. Okay. So now you all will read number 9. क्वेश्चन 9 पढ़िए। प्लीज गो थ्रू नंबर 9। ये सारा एसेट कोई लोग रिलेशन में क्लोज कर दिया है, कैश को खाली क्लोज नहीं किया क्योंकि कैश टेकओवर नहीं हुआ है। सारा लायबिलिटी को ये लोग क्लोज कर दिया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को भी क्लोज करना चाहिए, बट दे हैव शोन डायरेक्ट पेमेंट, इसको ये लोग रिलेशन में क्लोज नहीं करके डायरेक्ट पेमेंट दिखाया। एक ही बात है, आज हम चीज को समझना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को डेबिट करके रिलेशन कर रहे हैं और फिर अगला टाइम क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन टू कैश, तो इनका डायरेक्ट एंट्री क्या होगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू कैश। लेकिन कई बार क्या होता है, कम पेमेंट हो रहा है लाइबिलिटी को, जैसे प्रेफरेंशियल ऑर्डर का अलग से खाता खोला, वैसे आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का भी अलग से खाता खोल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को भी कल को कम पैसा देंगे तो उसका प्रॉफिट लॉस को भी रिलेशन में डालना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली तुम तो रिलेशन में आओगे ही ना, आज नहीं तो कल। तो मैंने तुमको बाकी एसेट्स की तरह तुमको भी पहले रिलेशन में डाल दिया और फिर वहां से तुमको पेमेंट दिखा दिया। ये लोग क्या किया, डायरेक्टली पे ऑफ किया। अभी देखिए नीचे आएगा, ये तो पीसी का ड्यू एंट्री है, दिस इज पीसी रियलाइज, फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस रिलेशन टू कैश, घुमा फिरा के किया है कोई मतलब नहीं है, नया कंपनी में ड्यू दिखा के फिर उसे ये पैसा लिया है, नो यूज। देखिए
पहले नया कंपनी को डेबिट किया और फिर उससे पैसा ले लिया, करने का दरकार नहीं, सीधा नेट में दिखाएंगे। नेट एंट्री क्या है? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, हाउ मच? 2500, 2500। देखिए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज सेपरेटली पेड, और यहां पे लिखा देखो, एनी डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एक्चुअली पेड एंड द बुक फिगर मस्ट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। बट अपन क्या कर रहे हैं, इसको पूरा को रियलाइजेशन में डाल दे रहे हैं और उसके बाद रियलाइजेशन से पेमेंट कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस आएगा वो फिर अलग से डालने का दरकार नहीं, ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाएगा। राइट, दिस इज पीसी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब पहले लो लॉस कैलकुलेट कर लिया क्योंकि प्रेफरेंशियल ऑटो को 40-40 देना है। ये देखो, इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट ये लोग पहले निकाल लिया रिलाइजेशन का, बट हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे उस हिसाब से हम लोग करेंगे। लास्ट में लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इज इट फाइन? इस तरीके से। एनीवे, जो स्टेप्स मैंने दिया है उसको फॉलो करके अपन करेंगे। अभी हम लोग को करना है नंबर 9, क्विकली आ जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नंबर 9। पी एन क्यू का बैलेंस शीट दे दिया है, राइट? दे हैव गिवन अस पी एन क्यू का बैलेंस शीट। इज इट ओके? हम लोगों को पी एंड क्यू का बैलेंस शीट दे दिया है लोग, डन। दोनों का शेयर कैपिटल, दोनों का रिजर्व, दोनों का लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दोनों का ट्रेड पेबल, दोनों का पीपीई, दोनों का इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश, ये सब दे दिया। नाउ नोट्स टू अकाउंट ज्यादा नहीं है, दो ही ठो नोट्स है, शेयर कैपिटल का और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। लॉन्ग टर्म बोरिंग में 12% डिबेंचर है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, दिस इज, अगर मैं ये लिख दे तो इसका नोट का दरकार नहीं है। दोनों का शेयर कैपिटल दे दिया, ट्रेड रिसीवेबल में बीआर और नॉर्मल डेटर दोनों हैं, दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही ट्रेड रिसीवेबल है, दिस इज रिटर्न प्रॉमिस, मालूम है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड दिस इज गॉट प्रॉमिस, राइट? वैसे ट्रेड पेबल दिया हुआ है, उससे मतलब नहीं है अभी, छोड़ो, बाद में बात करेंगे। एमलगमेशन एब्जॉर्प्शन बाद में होगा, पहले बोलता है दोनों का बुक वैल्यू को रिवैल्यू करो। प्लांट एंड इक्विपमेंट का बुक वैल्यू को रिवैल्यू करो, 15% अबव बुक वैल्यू, और दोनों लोग इक्विटी डिविडेंड पहले पे ऑफ करेगा,
पी खरीदेगा क्यू को, सो ये न्यू हो गया, ये ओल्ड हो गया, है ना। आठ शेयर दूंगा छह के बदली में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% डिस्काउंट में चुकाऊंगा। लास्ट क्लास जो क्वेश्चन किया था उसमें 10% एक्स्ट्रा दिया था, यहां पे मैं तुमको 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कम दूंगा। डिबेंचर होल्डर को 8% ज्यादा दे रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स ज्यादा दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली मैं भी अपना डिस्काउंट में दे रहा हूं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कम दूंगा, तो कितना ज्यादा कितना कम वो कैलकुलेशन से समझ में आएगा। नया कंपनी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, है ना। तुम्हारा क्रेडिटर में मैं हूं, मतलब तुम मेरा डेटर में है। इंटर कंपनी डेप्ट एकदम बाद में, अभी मतलब नहीं है। तो बेसिकली पॉइंट नंबर फोर से कोई मतलब नहीं है हमको अभी। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय न्यू कंपनी, राइट, खरीदने के बाद, इंटर कंपनी डेप्ट खरीदने के बाद, तुम्हारा जो इन्वेंट्री है और जो डेटर्स है, अगर कुछ नहीं बोलता तो पूरा का पूरा ट्रेड रिसीवेबल को डेटर पकड़ दें, दोनों को 5% लेसर देन बुक वैल्यू में खरीदूंगा। इसका मतलब मर्जर मेथड नहीं रहा। ऊपर में जितने भी कंडीशंस हैं यहां पर भी मर्जर मेथड नहीं रहा, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को ज्यादा चुकाया जा रहा है। अगर ये दो, देखो इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर ही मिल रहा है, सारा का सारा एसेट एंड लाइबिलिटी क्यू लिमिटेड का पी खरीद रहा है, लेकिन बुक वैल्यू में नहीं खरीद रहा, राइट, मार्केट वैल्यू में खरीद रहा है। सो हियर मेक्स द डिफरेंस कि ये परचेज मेथड से होगा। क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते आपको ये चीज फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन से मेथड से। सर यहां भी देखिए ना, 15% अबव बुक वैल्यू, नो, दिस इज बिफोर अमलगमेशन। इफ एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन आई एम परचेसिंग योर एसेट मोर देन द बुक वैल्यू, देन दैट्स अ डिफरेंट इशू। इस पॉइंट के कारण ये परचेज मेथड नहीं होगा, दिस इज बिफोर अमलगमेशन। हाँ, ओल्ड, अभी तो मैं पहले नया ओल्ड बुक्स बनाऊंगा पहले, उसके बाद अमलगमेशन करूंगा। इसका मतलब दिस एडजस्टमेंट इज नॉट बिकॉज ऑफ अमलगमेशन, दिस इज नॉट प्रपोज्ड बाय न्यू कंपनी, न्यू कंपनी इज नॉट टेकिंग ओवर एट 15% मोर बुक वैल्यू, ये तो क्वेश्चन में बोल दिया। सो एज फार एज दिस पॉइंट इज कंसर्न, इट इज स्टिल, इट कैन बी मर्जर, बट देर आर टू पॉइंट विच हैज मेड इट टू परचेज मेथड। सबसे पहला बात, नया कंपनी का जनरल एंट्री बोला है कर लेंगे, और पीसी निकालने बोला है, तो पीसी यहां से कौन सा मेथड से आएगा? नेट पेमेंट में देखो सारा डिटेल दिया हुआ है,
राइट। सो एक बार क्वेश्चन को रीड करिए एंड देन वी विल मूव अहेड। प्लीज रीड फास्ट फास्टर। थर्टी थाउजेंड शेयर्स होगा और इधर में 1,000 शेयर्स। बात नहीं, तो पुराना कंपनी का जो शेयर होल्डर है अमाउंट पेड बाई पी लिमिटेड टू इक्विटी ऑब्लिक, ठीक है ना, नया कंपनी जो इसका शेयर होल्डर को देगा वही आएगा पीसी में। नया कंपनी इसको 108% दे रहा है, मतलब 1,62,000 में पहले टेक ओवर करेगा। ठीक है, और फिर 1,62,000 का अपना डिवेंचर देगा, लेकिन अपना जो दे रहा है वो 90 में दे रहा है। अठारह सौ डिबेंचर, पहले मैं तुमको 8% एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो आई विल टेक ओवर एट 162 बट आई एम गिविंग यू माई डिवेंचर्स एट 90, सो अकॉर्डिंगली आई विल गिव यू 1,800 न्यू डिवेंचर। ওটা করবো, পিসি ওয়ার্কিং নোটে আসবে তো ওটা আলাদাভাবে। এ তো ইহাতে দিখ রা থা বলকে মানে বতা দি। চলো সবসে পহলে মতলব পার্ট টু করেঙ্গে, পার্ট টু কে বিনা পার্ট ওয়ান নহীঁ কর সকতে। গট মাই পয়েন্ট?
इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड, क्या दे रहा है नया कंपनी? इक्विटी शेयर इन पी दे रहा है, 8 दे रहा है 6 के बदले में, 8 new फॉर 6 old है ना। तुम लोग टोटल में कितने हो? 30,000 हो, तो सॉल्व करने से कितना आएगा? मतलब नया कंपनी अपना 40,000 शेयर दे रहा है, तुम लोग का वैल्यू है 1 लाख, 10% डिस्काउंट मिला, 90,000 मिलेगा। तो मैं तो तुमको अपना शेयर 100 वाला दे रहा हूं, तो तुमको 90,000 मिलेगा डिवाइड बाय 100 मेरा शेयर का वैल्यू, तो 900 शेयर दूंगा मैं तुमको। मैं तुमको 10% डिस्काउंट में दूंगा पैसा, तो मैं तुम लोग 1 लाख हो वैल्यू में, तो तुमको 90,000 मिलेगा, लेकिन मैं अपना प्रेफरेंशियल 100 वाला दे रहा हूं, तो तुमको नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल कम मिलेगा ना। लास्ट क्लास जो क्वेश्चन किया था उसमें 10% प्रीमियम में मैं तुमको दे रहा था, तो एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया था। सिक्योरिटी प्रीमियम कब आएगा? जब मैं तुमको बोलूंगा मैं अपना शेयर 5% प्रीमियम में दे रहा हूं। एखाने तो बोले हमें निजे शेयरटा पारे दीची, नया कंपनी अपना शेयर पार में दे रहा है, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई रोल ही नहीं है यहां पे। देखो यहां पर भी नया कंपनी अपना शेयर पार में दे रहा है, इधर में भी लिख दिया एट पार, ये देखो। डिवेंचर होल्डर परचेस कंसिडरेशन में नहीं आएगा, नॉट इन पीसी जस्ट, लेकिन करके दिखा दे रहा हूं। तुम लोग 1.5 लाख है, तुम लोग को मैं 108% दे रहा हूं, मतलब दूंगा 160, दूंगा 162 है ना। बदले में तुमको डिबेंचर मिलेगा किसमें? पी लिमिटेड में,
तो 162 डिवाइडेड बाय, अब देखो मैं अपना पार में दे रहा हूं कि डिस्काउंट में, तो डिवाइड बाय 19, तो मैं तुमको 1800 डिवेंचर दूंगा। बट ये वाला पीसी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। नया कंपनी अपना शेयर पार में दे रहा है, पार में दे रहा है तो प्रीमियम वगैरह नहीं आएगा, डिस्काउंट में दे रहा हूं। शेयर तो डिस्काउंट में दे नहीं सकता, डिवेंचर दे सकता है। कम बेसी चुका सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या बोलता है, पीसी में वही आएगा जो शेयर होल्डर के लिए है। इज इट फाइन, बोलिए। अब जर्नल एंट्री करना है, लेकिन उसके पहले ये क्यों है ना, इसको 15% बढ़ाना है। ठीक है, ₹37,500 प्लस हो गया, यहां एसेट बढ़ा, उधर लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, राइट। बहुत सिंपल फंडा है, प्रेफरेंस का नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल का डिविडेंड देना है 10%। आया ना, पक्का। क्लियर है? लेकिन सर ये चीज तो दोनों कंपनी को दिखाना है, पुराना कंपनी का बैलेंस शीट पहले रेडी करो, क्योंकि इसी के बेसिस पे टेक ओवर होगा। नया कंपनी जब खरीदेगा, इनका रेस्पेक्टिव एसेट्स को खरीदेगा ना, सो दिस इज द एडजस्टेड बैलेंस बिफोर अमलगमेशन, ये तुमको मालूम होना चाहिए।
नया कंपनी भी रिवैल्यूएशन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो नई कंपनी की एंट्री वैसे भी करूंगा, नया कंपनी का तो करने बोला है, इसका नहीं करने बोला है, तो इसका पहले ऐसी क्वेश्चन में ठीक करेंगे। इसका 15% बढ़ाना है, यहां पे रिवैल्यूएशन दिखाना है, राइट। इसका शेयर कैपिटल 6 लाख है, तो ये 50 माइनस 60, 1,10,000 से 60,000 चला गया ना, इसका तो जर्नल एंट्री करना पड़ेगा हम लोगों को, इसका नहीं करेंगे, इसका खाली नया वैल्यूज खाली मालूम होना चाहिए। सेट, इसको 95% में खरीदा है, इसको भी 95% में खरीदा है, इसको 108% में खरीदा है, हो गया ना। मेरा स्टॉक डेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो थोड़ी रिवैल्यू हो रहा है। शैल वी मूव अहेड नाउ, आइए। सबसे पहला पीपीई डेबिट मेरा वाला 15% से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है। हाँ इक्विटी डिविडेंड पे ऑफ करना है, बींग ये लाइबिलिटी बोल के दिखाया हमने,
रिजर्व एंड सप्लाई से ना डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट्स को कम कर दिया पहले हमने, है ना, हमने प्रॉफिट्स को कम करके डिविडेंड दे दिया, अब पे ऑफ करेंगे। इज इट ओके? तो ये अभी तक बिफोर अमलगमेशन का एडजस्टमेंट हुआ है, कट माय पॉइंट, ये मैंने एडजस्टमेंट किया है अभी, अब मैं अमलगमेशन एंट्रीज करूंगा एब्जॉर्प्शन। एसेट को रिवैल्यू कर दिया, पुराना कंपनी अपना बुक्स में करेगा, उसका रिवैल्यूएशन मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं रिवैल्यूड फिगर पे खरीदूंगा। Being ठीक है, अब मैंने तुम्हारा एसेट लाइबिलिटी खरीदा है, एसेट्स ऑब्लिक लाइबिलिटी इनकॉर्पोरेटेड एट फेयर वैल्यू, परचेज मेथड है ना, 287,500 में खरीदूंगा, ठीक है ना, दिस इज द लेटेस्ट वैल्यू यू हैव इन योर बैलेंस शीट, कुछ बोला नहीं तो बुक वैल्यू में खरीदूंगा, एंड तुम्हारा अपडेटेड बुक वैल्यू ये है, इन्वेस्टमेंट कितना में खरीदूंगा, 80,000 क्यू का ना, इन्वेंट्री 5% लेस, 3,20,000 का 95% कितना, 210 है ना, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल में जो डेटर वाला पार्ट है उसका 95%, राइट,
नहीं, 95% नाउ डेटर में अपने डायरेक्ट राइट ऑफ नहीं करते, अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लेंगे, एक ही बात है लाइबिलिटी साइड में। आप डायरेक्टली भी 95% पे दिखा सकते हैं, जैसे आप देखिए आपके बुक में लो प्रोविजन बनाया है, डेटर को 190 पे रख के 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया है, क्लियर? अच्छा, तो इसमें डेटर्स अलग आएगा 190 पहला बात तो, और बिल्स रिसीवेबल अलग आएगा 20,000। थोड़ा सा लाइन छोड़ के प्रॉफिट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना, 190 का 5%, समझ गया ना? अच्छा, कैश खरीदेंगे 10,000, 40,000 नहीं, क्योंकि 30,000 तो यूज अप हो गया ना। डन, सारा एसेट देखो पहले ध्यान से, पीपी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें दो था, डेटर बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड पेबल में भी दो है, क्रेडिटर बिल्स पेबल, राइट? डिबेंचर इन क्यू को मैंने 162 में खरीदा है, देखो क्या आ रहा है डिफरेंस। समझ, कैपिटल रिजर्व 80,000, बींग एसेट लाइबिलिटी इंक्रीज इनकॉर्पोरेटेड एट फेयर वैल्यू,
इज इट फाइन एवरी वन, सबको समझ में आ रहा है? बोलो ठीक है। राइट मैं इश्यू कर रहा हूं, मैंने जो प्रेफरेंस शेयर दिया उसका भी 10% डिविडेंड रेट है, राइट? बींग पीसी पेड, आप ध्यान से देखिएगा, डिबेंचर इन क्यू 162 का है, लेकिन मैंने आपको जो डिबेंचर्स दिया है वो 1800 दिया फेस वैल्यू 100। इशू आप कितना में भी करें, फेस एंट्री फेस वैल्यू से होगी, इशू आप कितना में भी करें एंट्री विल बी डन एट फेस वैल्यू, राइट? आप कितना में भी इश्यू करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एंट्री हमेशा आपका फेस वैल्यू पे होगा। 1,80,000, सो एज अ रिजल्ट साफ दिख रहा है डिस्काउंट ऑन इश्यू आएगा 18,000। आप क्लियरली देख सकते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू आएगा 18,000। बींग इश्यूड न्यू डिबेंचर्स, इनको बदल के हमने नया दे दिया, ठीक है ना? 30,000 का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया है हमने तुम्हारा, तो गुडविल टू बैंक होता है, बट ध्यान से सुनना, यहां पे एंट्री नंबर टू में कैपिटल रिजर्व आया हुआ है, तो डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेंगे। आप पहले गुडविल टू बैंक करिए, फिर गुडविल को कैपिटल, क्योंकि दो चीज आप नहीं रख सकते, इधर में आप गुडविल भी रख रहे हैं और कैपिटल रिजर्व भी रख रहे हैं, यू कैन नॉट कीप टू, राइट? अगर पीसी मोर देन नेटो वी गेट गुडविल, पीसी लेस देन नेटो वी गेट कैपिटल रिजर्व। राइट, अगर हमारा गुडविल आया, एक्सपेंस में भी गुडविल आएगा, गुडविल गुडविल ऐड, लेकिन ऑलरेडी हमारा कैपिटल रिजर्व आया हुआ है, इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं आया, राइट? सो हमारा जो कैपिटल रिजर्व आया है, तो व्हेन यू पे एक्सपेंसेस यू रिड्यूस कैपिटल रिजर्व, राइट? सो वी कैन राइट कैपिटल रिजर्व डेबिट टू बैंक 30,000, 30,000 बींग
क्यू पेड बाय पी लिमिटेड, ठीक है। अब मेरा तुम्हारा बिजनेस एक हो गया, मैंने तुम्हारे सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज खरीद लिए, तो मैंने ये जो तुम्हारा क्रेडिटर खरीदा ना, इसमें पी लिमिटेड है, इस क्रेडिटर में पी लिमिटेड है, तो पी लिमिटेड का बैलेंस शीट में जो डेटर है उसमें क्यू लिमिटेड होगा। अब तो क्यू मेरा हो गया ना, तो मैं अपने आप को पैसा कैसे दे सकता हूं? वो तो ये बात होगी, एक एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरे पॉकेट में रखना। तो एज अ रिजल्ट मैंने जो क्रेडिटर्स खरीदा है उसको मैं अपने डेटर्स के साथ में सेट ऑफ करूंगा। बीइंग इंटर कंपनी डेप्ट सेट ऑफ पोस्ट एब्जॉर्प्शन, इंटर कंपनी डेप्ट सेट ऑफ पोस्ट एब्जॉर्प्शन। सर पहले हमने पीसी वर्किंग नोट बना लिया क्रिएटर का, ख्याल कोरी नहीं हमें, और 10,000 अच्छे ओके। सबसे पहले मैंने अपना एसेट्स का ओन एसेट्स रिवैल्यूएशन आया ना, ओन इक्विटी डिविडेंड पेड, राइट, बिजनेस परचेस, देन एसेट लाइबिलिटी इनकॉर्पोरेटेड एट फेयर वैल्यू। इसका बुक वैल्यू फेयर वैल्यू है, इसमें भी बुक वैल्यू फेयर वैल्यू था, इसका 95% बोल दिया, इसमें पीबीडी बोल दिया, डिबेंचर का मार्केट वैल्यू बोल दिया, तो ये सब फेयर वैल्यू में लिया गया है। राइट, बाकी सब बुक वैल्यू, डिफरेंस कैपिटल रिजर्व आ गया। ऑल द शेयर्स आर इश्यूड एट पार, पूरा का पूरा कैपिटल में जाएगा। डिबेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विथ फेस वैल्यू, आई एम इश्यूइंग यू एट 90, राइट। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाई न्यू कंपनी, ओल्ड कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई पी और सेट ऑफ पोस्ट एब्जॉर्प्शन, दैट्स इट।
स्टैट्यूटरी रिजर्व है नहीं, नहीं तो अलग से दिखाते, क्योंकि परचेज मेथड है मर्जर होने से, तो एंट्री नंबर टू में हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस भी लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाता, लेकिन यहां पे अपने को अलग से दिखाना होगा। बैलेंस शीट बनाएंगे अब, बोला नहीं है बट फिर भी बनाएंगे। दे हैवन टोल्ड अस बट स्टिल वी विल मेक द बैलेंस शीट, ठीक है, नहीं बोला लेकिन फिर भी बनाना है। राइट पी लिमिटेड सबसे पहले शेयर कैपिटल, देन रिजर्व एंड सरप्लस, इसका नोट वन इसका नोट टू, ठीक है, आइए नोट वन, ऑलरेडी 6 लाख का कैपिटल था इक्विटी कैपिटल, 6 लाख मतलब 60,000 शेयर, 40 नया कंपनी क्यू को दिया तो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, हाँ 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था मतलब 2,000 शेयर, 90,000 मतलब 900 शेयर और दिया, That's it. Is it fine? ठीक है,
मेरा रिजर्व एंड सरप्लस कितना है बैलेंस शीट वाला? 3 लाख। उसमें से 60,000 मैंने डिविडेंड वाला यूज कर लिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व मेरा 1,05,000, हाँ या ना? रिवैल्यूएशन रिजर्व मेरा 1,05,000 आया। कैपिटल रिजर्व वॉज 80, 30 हैज बीन यूज्ड अप। थ्री लाख ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर है, दो लाख का था 1,80,000 फेस वैल्यू, थ्री लाख एट्टी आएगा। क्रेडिटर्स मेरा क्रेडिटर कितना है ब्रेकअप वाला? टू। तुम्हारा मैंने कितना लिया? -30 सेट ऑफ हो गया, सॉरी 10। और बिल्स पेबल मेरा कितना है? तुम्हारा मैंने कितना लिया? कितना आ रहा है बोलो? हाँ 3,35,000। और ये 55,000। और कुछ है क्या लाइबिलिटी में? 12,90,000, 395,000, 380,000, कितना आ रहा है?
24,55,000। एकदम सोच समझ के बनाना पड़ेगा। शेयर कैपिटल में जितना नया इश्यू हुआ है, समझो, प्लस न्यू इश्यू, हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरली इट इज प्लस कैपिटल रिजर्व ओनली जनरली, बट इस सब में रिवैल्यूएशन और डिविडेंड पेड भी है। डिबेंचर में भी नया इशू जो एक्सचेंज करके दिया, इसमें भी प्लस एडिशन, लेकिन इस समय सब्ट्रैक्शन भी है इंटर कंपनी वाला। एसेट में खाली प्लस एडिशन और कुछ नहीं, सब्ट्रैक्शन अगर इंटर कंपनी है तो, राइट। तो अगर अपने को ये सब मंत्रा मालूम होगा ना, इट बिकम्स इजी फॉर अस। नॉन करेंट एसेट, सबसे पहले इसमें क्या आएगा? पीपी, मेरा रिवैल्यूड वाला बताना, और तुम्हारा तो मैंने पोस्ट रिवैल्यूएशन ही खरीदा है। इन्वेस्टमेंट्स मेरा कितना है? मेरा भी 80, तुम्हारा भी 80। अब इसमें एक चीज और आएगा, अदर नॉन करेंट एसेट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर नॉट येट रिटर्न ऑफ, क्योंकि ये लाइफ ऑफ द डिवेंचर में थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करेंगे। कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, शेयर रिलेटेड एक्सपेंसेस, राइट। तो ये हमारा 18,000 था, क्योंकि डिबेंचर टेक ओवर हुआ है 162 में, डिबेंचर दिया 180 का। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा लोग भूल जाता है इसको। DYD मीन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नॉट येट रिटर्न ऑफ। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, और ये टोटल। इन्वेंट्री कितना है अपना? 240, 3,04,000। इसका नोट 4 बनाएंगे, कितना रहा? 5,44,000 कैश अपना। 110 में से 60 माइनस होगा डिविडेंड का, प्लस उसका 10,000 आया एक्सपेंसेस का, 30,000 मैंने पे कर दिया पोस्ट एब्जॉर्प्शन। डेटर मेरा अपना कितना है? 3 लाख, 3,60,000 प्लस मैंने 190 का लिया, माइनस 30 सेट ऑफ,
सॉरी बार बार 30 बोल रहा हूँ, माइनस 10 सेट ऑफ कितना है, कितना है बोलो, 5 540 प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 9,500 नेगेटिव। प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा ना, कितना है नेट करके 530 500। अब इसमें मैं बिल्स रिसीवेबल ऐड करूंगा, मेरा अपना कितना है और तुम्हारा, कितना आ रहा है 6 10। वही तो कोल्लम तो डेटर के आलादा आलादा जोक करो तापरे प्रोविजन लेस करो तो 1092 500 1,60,18 544 आ गया। ठीक है, सो क्वेश्चन 9 का ओल्ड कंपनी करेंगे और क्वेश्चन 10 होमवर्क में रहेगा। रिजर्व इन सरप्लस में, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में रिजर्व इन सरप्लस में इफेक्ट होता है। ठीक है, ओके बाय।